हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए, 7 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, दो हमारा जो क्लेम है वो हमें x ऑफ फाइंड, हमारा जो क्लेम है ना उसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। आप इसमें ऐड कर लीजिए, एडिंग, जब एडिंग करोगे तो प्लस माइनस y कैंसिल, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 7 3 10 0 0 0 2 0 0 2 and 5 3 8। यहाँ से आपको x मिलेगा 1/2 10 0 2 8। तो x जब 2 से डिवीजन में लाओगे सभी को तो ये आएगा 1/4, ये आपको मिल गया x। अब आपको चाहिए y, आप पुट करिए y इन फर्स्ट, वी गेट जब फर्स्ट में पुट करोगे तो देयरफॉर आपको मिलेगा x प्लस y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 5 0 1 4, प्लस y कितना है, y को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये है 7 0 2 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए और देखो ये क्या आता है, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो यहाँ से y मिल जाएगा 7 माइनस 5 2 आएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 2 माइनस 4 1 आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा। तो ये आपका क्या था, x और y की वैल्यूज। ठीक है, अब हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर है, इसी तरीके से निकालना है, एलिमिनेशन करनी है x और y की। आप लोगों ने क्लास 10 में भी की है एडिशन, आप लोगों को बताया, तो आगे देखेंगे हम। अब हमारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 7 का सेकंड पार्ट है, अगर आपको करना है चेक कर लीजिए, ये भी 7 क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट है। ट्वाइस ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू है 2 3 4 0। ठीक है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास है 2 2 -1/5। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसे तो मानेंगे फर्स्ट, इसे रखेंगे सेकंड। अब आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड करना है, एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को यहाँ पे रखे थे, यहाँ पे ये थ्री टू है, तो आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वट विल हैपन, ये आ जाएगा कितना आएगा, पूरी इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x आएगा, प्लस आएगा 9y इज इक्वल टू, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 9 12 0। ठीक है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने किया है 2 से, तो आएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 -4 -2 and 10। ठीक है, अब आप इनको रखिए, थर्ड मान लीजिए इसको, फोर मान लीजिए, ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें क्यों सब दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट में ये माइनस आएगा माइनस और ये माइनस आएगा, ये चीज कैंसिलेशन में आएगी और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 9 में से 4 5, और यहाँ पे कितना मिलेगा 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, 9 माइनस 4 कितना आएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आएगा एंड 12 माइनस, देखो 12 माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, 12 प्लस 2 14 आ जाएगा और 0 माइनस 10 माइनस 10 आ जाएगा। आपको यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 1/5 ये मिल जाएगा 2 13 14 माइनस 10। अब आपको यहाँ से y क्या मिलेगा 2/5 13/5 14/5 -10/5। तो यहाँ से y मिल जाएगा 2/5 13/5, ठीक है, ये 14/5 आ गया और ये आ गया माइनस। अब आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर दिया y, ठीक है, पुट y इन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट करी पुट फर्स्ट में। अब हमारे पास फर्स्ट क्या था, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, सिंस आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
2340। यहाँ वाई की वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम x प्लस 3। वाई क्या है भाई, वाई आता है 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2 भी है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इक्वल्स टू आपके पास है 2340। चलिए करिए इसको माइनस, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 टाइम एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बाई 5, 3 माइनस 9 बाई 5, ठीक है, 4 माइनस 42 बाई 5 एंड 0 माइनस 9 प्लस 6 हो गया। तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, 5 टू 10 माइनस 6 बाई 5, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 39 बाई 5, यह आ जाएगा 20 माइनस 42 बाय 5 एंड 6। यहां पे आपको मिल गया 2 टाइम x इज इक्वल्स टू क्या मिला, 10 में से 6 तो 4 बाय 5, ठीक है। तो ये कर लीजिए माइनस, ये तो माइनस का साइन आएगा, 9 में से 5 गए तो कितने मिल गए आपको, 4 एंड 3 24 मिले, 24 बाय 5 यहाँ पे मिल गया माइनस 22 बाई 5 और ये मिल गया 6। यहाँ से एक्स मिल जाएगा 1 बाई 2, 4 बाई 5 माइनस 24 बाई 5 माइनस 22 बाई 5 एंड 6। एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4 बाई 10 माइनस 24 बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करो माइनस 22 बाय 10 और ये 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 मिल जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू थी इसकी x की, ठीक है। अगर आप इसको आगे भी कैलकुलेशन करना चाहते हो योर चॉइस, ये आएगा 2 टू 4 5 टू 10 तो 2 बाय 5 ये कितना आएगा 12, ये 5 तो माइनस 12 बाय 5, ठीक है, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 11 बाय 5 तो माइनस 11 टू 0 5 टू 0 और ये आ जाएगा 3। तो ये था आपका आंसर, ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर है, एनसीईआरटी बुक जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें आपको वाई की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन में डालना है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 2 टाइम 130x प्लस y0125618। तो यहां पर देखिए क्या करना, आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, तो आएगा 2 6 ठीक है 0 2x, यहां आएगा y0125618, क्लियर। तो इसमें आप लोगों ने पहले एडिशन करनी है, 2 प्लस वाई आ गया, 6 प्लस 0 6 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 2x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 5618। तो यहां से आपको मिलेगा, यहां से क्या होगा, सिंस द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल मैट्रिसेस सो देयरफॉर क्योंकि ऑर्डर इनका क्या है सेम है तो एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल टू प्लस वाई कितना आएगा 5 के, 6 इक्वल टू 6 है तो 2 प्लस वाई अगर आ गया तो वाई कितना आ गया 3
ठीक है, और आपको यहाँ पर मिल गया 2x plus 2 is equals to 8, ठीक, तो यहाँ से मिल गया 2x is equals to 8 minus 2, तो 2x मिल गया 6 और x मिल गया 3, तो आपको x और y की वैल्यूज आपको मिलना शुरू होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिए इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें भी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी आप लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, मैथड बिल्कुल सेम रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 11 का है एक्स 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 एंड 5, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट तो सब करेंगे, पहले हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3x, ठीक है, यह आएगा माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 5, यहाँ से मिल गया 2x माइनस वाई 3x, ठीक है, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 5। सो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, दो रो है एक कॉलम है, इसमें 2 क्रॉस 1 ऑर्डर से मैट्रिसेस क्या होंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ से मिल गया ये दूसरी क्वेश्चन आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब इन दोनों क्वेश्चन को लो, दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, ऐड कर लीजिए यहाँ, जब आप ऐड करोगे ना तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 का 5x इज इक्वल टू कितना आएगा 15, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से x मिल गया 3। अब इस x को यहाँ पुट कर दीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड मान लीजिए, पुट x इन, पुट x इन फर्स्ट, वी गेट, जब फर्स्ट में पुट करोगे ना तो आपको मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 2x x क्या है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 एंड y कितना मिल गया माइनस 1। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको भी आप ट्राई कीजिएगा।